एपिसोड की शुरुआत में हमें रुकिया दिखाई जाती है जो इचिगो का घर छोड़कर वहां से भाग चुकी थी, इस बात से बेखबर कि दो शिनिगामी उसका पीछा कर रहे हैं। रुकिया के मन में तो इचिगो से रिलेटेड सीन चल रहे थे कि कैसे उन दोनों की दोस्ती हुई, कैसे रुकिया ने अपने न्यू दोस्त बनाए, कैसे वो इचिगो को टीज किया करती थी। ये सब बातें रुकिया को बार बार याद आने लगती हैं। वह रुकिया को अंदाजा है कि वो अपने दोस्तों को बहुत ज्यादा मिस करने वाली हैं, स्पेशली इचिगो को, क्योंकि वो रुकिया का बेस्ट फ्रेंड है। मगर जो भी हो, उसे यहाँ से जाना ही होगा क्योंकि उसकी वजह से इचिगो की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि वो काफी समय से सोल सोसाइटी से बाहर रह रही है, तो सोल सोसाइटी उसे पकड़ने के लिए कुछ लोग जरूर भेजेंगे। मगर तभी यहाँ पर रेंजी नाम का शिनिगामी आ जाता है जो डायरेक्टली अपनी तलवार से रुकिया पर हमला कर देता है, जिससे रुकिया बड़ी मुश्किल से बच पाती है। तो रेंजी कहता है कि तुम सोल सोसाइटी से कई महीनों से बचकर भाग रही हो और आज तुम हमारे हाथ लगी गई। वैसे रेंजी को अंदाजा है कि रुकिया की सोल पावर्स को किसी ह्यूमंस ने ले लिया है, तो जब वो इस बारे में रुकिया से क्वेश्चनिंग करता है तो रुकिया उसकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देती, जिससे रेंजी काफी ज्यादा नाखुश है। मगर तभी यहाँ पर सेकंड शिनिगामी आ जाता है, जिसकी प्रेजेंस महसूस करके रुकिया बुरी तरह से घबरा जाती है, क्योंकि ये सेकंड शिनिगामी हाई लेवल सोल रीपर है, और तो और ये आदमी रुकिया का बड़ा भाई है जिसका नाम ब्याक्युआ कुचकी है। तो अपने बड़े भाई को देखकर रुकिया काफी ज्यादा डर जाती है, क्योंकि उसका भाई रूल्स का बहुत पक्का है और अब रुकिया ने सो सोसाइटी का रूल तोड़ा है। तो रुकिया को अंदाजा है कि उसका भाई रूल्स तोड़ने के पनिशमेंट के तौर पर उसे मार देगा। इसके बाद रेंजी रुकिया से कहता है कि तुम्हें पता होना चाहिए कि ह्यूमंस को अपनी सोल पावर देना सीरियस क्राइम है, जिसकी पनिशमेंट सिर्फ और सिर्फ मौत है, जो कि तुम्हारे साथ साथ उसे भी दी जाएगी जिसके साथ तुमने अपनी सोल पावर शेयर की है। तो ये सुनकर रुकिया काफी ज्यादा घबरा जाती है। इसके बाद जब रेंजी रुकिया को मारने के लिए रेडी हो रहा था, तभी रेंजी पर एक एनर्जी अटैक हो जाता है। वेल, ये एनर्जी अटैक उरियू इशिदा ने किया था जो इतनी रात को अपनी ग्रोसरीज लेकर आ रहा था, मगर उसे यहाँ देखकर रुकिया जल्दी समझ जाती है कि उरियू ने प्रोबेबली रेंजी और उसके भाई का स्पिरिचुअल प्रेशर महसूस कर लिया होगा, तो वो यहाँ पर इन लोगों से लड़ने के लिए आया है। इसके बाद उरियू रेंजी को टॉन्ट करता है कि तुम दोनों कैसे आदमी हो जो एक निहत्थी लड़की पर हमला कर रहे हो, वैसे तुम शिनिगामी से यही उम्मीद की जा सकती है। तो ये सुनकर रेंजी बड़ी प्यारी सी स्माइल देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रुकिया ने कौन को बाथरूम के अंदर चुपका डाला था, तो इचिगो से ढूंढता ढूंढता कौन तक पहुंच जाता है, मगर अब कौन में से बहुत ज्यादा तगड़ी बास मार रही थी, तो इचिगो उस पर खूब सारी स्प्रे मारने लगता है, तो स्प्रे और बाथरूम की स्मेल मिलकर बड़ी तगड़ी सी महक बन जाती है, जिससे इचिगो के दिमाग पर असर पड़ने लगता है। इसके बाद कौन को याद आता है कि रुकिया घर से भाग चुकी है और उसने ही कौन को बाथरूम में चुपकाया था, तो कौन जल्दी से इचिगो को रुकिया का फेयरवेल लेटर दिखाने लगता है, जिसे पढ़कर इचिगो के दिमाग की धज्जियां उड़ जाती हैं, क्योंकि रुकिया ने इस लेटर को कोडेड लैंग्वेज में लिखा हुआ था, जिसे डिसाइफर करने में इचिगो को काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। मगर मैसेज पढ़कर इचिगो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, क्योंकि रुकिया ने उसे वॉर्न किया है कि वो अपनी सोल सोसाइटी लौट रही है और बेहतर होगा इचिगो कुछ दिनों के लिए कहीं छुप जाए। तो ये जानकर इचिगो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और अब वो जल्दी से रुकिया को वापस लाने के लिए रेडी हो जाता है। मगर तभी यहाँ पर उराहरा आ जाता है जो अपने स्टिक से इचिगो को टन कर देता है। वहीं दूसरी तरफ रेंजी ने उरियू की ऐसी तैसी कर दी थी और अब उरियू बिल्कुल मरने की कगार पर था, तो जब रेंजी उसे जान से मारने वाला था, तभी यहाँ पर इचिगो आ जाता है जो अपनी शॉर्ट के स्लैश से रेंजी को दूर उड़ा देता है। तो रेंजी उसे देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज था, मगर वो जल्दी समझ जाता है कि ये लड़का वो है जिसे रुकिया ने अपनी पावर्स दी हैं। तो रेंजी बिना सोचे समझे इचिगो पर हमला करने लगता है, जैसे उसका दिमाग ठिकाने पे ही ना हो, और फिर वो थोड़ी ही देर में इचिगो को हर्ट कर देता है। और फिर रेंजी इचिगो से बोलता है कि मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ कहीं नहीं देखा, क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए रुकिया घर से भागी थी और तुम हो कि खुद ही मरने के लिए यहाँ पर चले आए। तुमने अपनी बेवकूफी के चक्कर में रुकिया के एफर्ट्स को खराब
कर दिया और यहाँ पर हमें अंदाजा होने लगता है कि रेंजी और रुकिया एक दूसरे से इमोशनली अटैच्ड हैं, जिस वजह से वो इचिगो से बेहद नफरत करने लगा है क्योंकि उसने रुकिया की पावर्स ले ली हैं और अब इचिगो की वजह से रुकिया को सजाए मौत मिलने वाली है। तो रेंजी डिसाइड करता है कि अब वो इचिगो को मार देगा जिससे रुकिया की पावर्स लौट आएंगी और फिर शायद रुकिया को सजाए मौत न मिले। मगर तभी रुकिया का भाई इंटरप्ट करते हुए बोलता है कि मैंने इस लड़के को कहीं देखा है, शायद ये लड़का वही है जिसने कुछ दिन पहले मेनेस ग्रांडे को हर्ट किया था। तो ये सुनकर रेंजी को जरा भी भरोसा नहीं होता कि इचिगो एक मेनेस ग्रांडे को हर्ट कर सकता है। तो वो इचिगो से पूछता है कि तुम्हारी जानपाकटो का नाम क्या है। तो ये सुनकर इचिगो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। तो रेंजी बताता है कि हर सिनिगामी की जानपाकटो का एक रियल नेम होता है जिसे इन्वोक करके हम अपनी सॉर्ट को उसके रियल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिससे हमारी जानपाकटो और हम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। और फिर रेंजी अपने जानपाकटो का नाम पुकारने लगता है जिससे रेंजी की सॉर्ट एक अजीब सी तलवार में चेंज हो जाती है और फिर रेंजी बड़ी आसानी से इचिगो को बैडली हर्ट कर देता है क्योंकि रेंजी की जानपाकटो अब एक सांप की तरह वियर्डली बिहेव कर रही थी और अब इचिगो काफी ज्यादा बैडली हर्ट हो चुका है। इसी के साथ ये एपिसोड एंड होता है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।